हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नई वीडियो हम तो दोबारा से लेके आ चुके हैं और एक नया एपिसोड बैटल थ्रू द हेवन। ये होने वाला है एपिसोड 2 और 3, क्योंकि जिंदगी में हमेशा कुछ बड़ा करना चाहिए। तो इस वीडियो को बड़ा करने के लिए हम 2 एपिसोड को साथ में लेते आए हैं। आई होप कि तुम लोग भी इस एपिसोड को एंजॉय करोगे और ये एपिसोड जो दोनों हैं वो हिंदी डब में होने वाले हैं। तो आराम से बैठ जाओ और बैठे हुए होते लेट जाओ। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दूँ। तो चलो एपिसोड्स को करते हैं स्टार्ट। वो लड़का बहुत ज्यादा ही लापरवाह है। 3 साल के एग्रीमेंट का क्या हुआ? बातचीत खत्म होने के बाद बादल भी हट चुका है। नहीं, यू नॉट। देखो कौन आया है यहाँ। तो मैं जीनियस के रास्ते में खड़ा हूँ। ये लोग इसको परेशान क्यों कर रहे हैं? यहाँ भी चेक के रखा है। जीनियस को गर्व नहीं दिया जा रहा तो वो जा रहा है। श्योयन, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ चुप रहेंगे क्योंकि तुम्हारे पापा यहाँ के ट्राइब के मालिक हैं? तुम्हारे आज के काम ने श्यो फैमिली को नुकसान पहुँचाया है। ओ। 3 पिल्स कलेक्टर का क्या? वो अब गिर रहे हैं तुम्हारी गलती की वजह से। इसके अलावा श्यो फैमिली को इन 3 सालों में क्या क्या हुआ है, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? अब ये मत कहना कि तुम सच में मास्टर नालंजारा से लड़ोगे। तुम ऐसा करके यूलान को भी मुश्किल लगेगा। चैलेंज तो देख क्या है। सब करना आसान होगा। तुम इन सब बातों के बाद अब क्या चाहते हो? अगर मैं शादी का प्रपोजल कैंसिल करूं तो तुम्हारे पास एक बड़ा चांस आ जाएगा ऐसा करने का। और यहां तक कि तुम एल्डर के पोते हो। अब इसको थोड़ा डर लगा। तो तुम्हें यकीन है कि तुम नाला यारन से लड़ पाओगे? तो फिर अभी कोशिश कर लेते हैं। क्या तुम मुझे मार सकते हो? आजा। अब यहाँ कुछ तगड़ा फाइट दिखने के लिए मिल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत ही थोड़ी ताकत। अब कुछ होगा तगड़ा। सारा पावर इकट्ठा करके तेजी से हमला करेगा। तो बिल्कुल ही नहीं टिक पा रहा है इसके पावर के सामने। तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों हो? मर्दों के मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। यहाँ तक कि लीडर का बेटा स्पेशल है, लोग उसे बचाते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि ये कितना बेहुदा है। क्या सब लोग हंस रहे हैं? अभी अपना असली पावर सामने ले आया। दोनों में टकरा। इस बार तो कुछ तगड़ा देखने के लिए मिलेगा। वो क्या पावर है? दोबारा से हार गया। ये जीनियस जमीन पर क्यों गिर गया? वो श्योनर गुस्से में आ गई है। आगे से सभी लोग ध्यान रखना कि इसका बहन को देख के इसकी हालत खराब हो गया। वही लग रहा है वो भी तगड़ा पावरफुल है। हंसना बंद करो, चलो चले। और सीधे जाने का तैयारी कर लिया। सही में इतना पावरफुल है क्या जो देख के उसका भी हालत खराब हो गया था? ये कहाँ पे आ गया? योनर, तुमने आज सही फैसला लिया। सियाओई की फैमिली को 3 साल दे दिया गया है। मुझे बहुत गर्व है, लेकिन 3 साल बाद इसकी किस्मत वैसी नहीं रहेगी। ओह, जो भी हो जाए, तुम्हारे पापा जो भी करेंगे सही करेंगे। क्यों? क्यों माँ? क्यों? मैं 3 सालों से बस यह बात सोचकर डरता हूँ कि आप मुझे अंडरवर्ल्ड में देखकर शर्मिंदा होंगी।
अब यह कोई चमत्कार ही हो सकता है। अब क्या हुआ? ओ, चमत्कार हो रहा है क्या? यही बात पहले बोलता था, पहले भी चमत्कार होता। चलो लेट से ही सही चमत्कार हुआ तो अब क्या होगा? ओए बच्चे, तुम चिंता क्यों करते हो? अब समय चमत्कार है यहाँ चमत्कार का, लेकिन तुम तो डर गए हो। तुम ये दद्दू कौन है? तुम अब कौन हो? मैं ही वो हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम यहाँ पे हारना चाहते हो? पूरी मदद चाहते हो तो इस अहम चीज को देखो, लड़ाई की ताकत इससे भी ज्यादा दुआ सी भी है। अगर मेरे बारे में बताया जाए तो ये मेथड तुम सबको हरा दोगे। अगर तुम इसे अपनाओगे तो मध्यद्वीप में दुआ की ताकत से 4 स्टेज और 12 लेवल्स होते हैं यहाँ पर। हेवन, अर्थ, ब्लैक, येलो और हर स्टेज 3 लेवल पर डिवाइड है। हर कोई इस बारे में जानता है। सच कहूँ तो ज्यादातर स्किल यूनलान पे है। अच्छा, मैं तुमसे इस पे ज्यादा कुछ सिखाऊंगा। क्या सच में? ये भी एक्साइटेड हो गया सीखने के लिए। पर टाइटंस लेवल का क्या? वो तो सालों पहले जा चुकी है। यूनलान पहले से बहुत स्ट्रांग है, क्या ये भी उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? लेकिन आपके पास अगर ग्रेट स्किल्स हैं, तो ये बिना अच्छे पिल्स के भी यूज हो सकती है। लून सेंस एक्ट, इसे बहुत ही आसानी से क्यूब कलेक्टर पिल्स में डाल सकते हैं। ये पिल कीवागर लेवल 5 पर बनाई जाती है और आपके जैसा बुड्ढा, क्या आप ये कर सकते हैं? इसका टैलेंट का शक कर रहा है अभी। इसको ताकतवर बनना है कि नहीं बनना? मेरे लिए कुछ भी नहीं है फिर। अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो, तुम जितने भी पिल चाहे ले सकते हो फिर। ओ, ये अच्छा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे पास कोई ऐसे आया है। तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे तुम पर यकीन नहीं है, पर अगर तुम सच बताओ सही है। तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है, तुम्हारे पास कोई कारण नहीं मेरी मदद करने का। ये भी है, इसका मदद क्यों करेगा? इस वजह से 3 साल मैंने नहीं बिताए। क्या अच्छा, ये भी तो इसका हाथ से निकला था, वो जो अंगूठी था उससे। मेरी दो क्यों बढ़ नहीं रही थी, चाहे मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूं। कहीं वो इसी का कारण तो नहीं? बच्चे, तुम बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता चला। पिछले 3 सालों में मेरे पास कोई रिश्ता नहीं आया तुम्हारे को छोड़ के। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या तुम पागल हो क्या? भूल जाओ उसे, लेकिन अब मैं किसी को नहीं हरा सकता। बच्चे, उम्मीद मत हारो, मैं इस साल में तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बनने की आज को मदद करूंगा, तुम्हें और ताकतवर बनाऊंगा। बुढ़ाओ, तुम ये पहले भी कह चुके हो, मैं तुमसे 1 साल तक कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। अगर तुम मेरी लेवल 7 तक जाने में मदद करते हो तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुमने मेरी दो क्यों ली थी। बच्चे, तुम चला के बहुत ज्यादा ही। ओह, लेकिन वेल, अपनी बार बार ये चीजों को बात करना बंद करो। पहले तक तो तुम स्मार्ट हो, पहले मुझे सिखाओ। अगर तुम मुझे ये सिखाने में कामयाब होते हो तो मैं मान लूंगा। तुमने मुझसे भीख मांगी है कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन जाऊं। मैंने तुम्हें ना पर से भी नहीं बोलना है। इसको भी गुस्सा आ गया, वो इसको सबक सिखा रहा है। सारा बैंबू का पेड़ नीचे कर दे रहा है इसका तरफ। पहले ये सारा मार ले आओ जो पेपर पर लिखा हुआ है, समझे क्या? फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या क्या सामान? अरे क्या, 3 pieces ऑफ पर्पल ऑर्चिड लीव्स, 2 washed flower bones, 1st elemented evil core wood। बुढ़ाओ, क्या तुम मेरे साथ मजा कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं रॉयल फैमिली का प्रिंस हूँ, है ना? लगता क्या है? 1000 coin है, दाम भी काफी ज्यादा है। ये क्या? वो इसका बहन भी आ गई।
शोयन मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पीछे मत आओ। तो अब शोयन को हमारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ उस सब के बाद से मैं अब और ताकतवर होना चाहता हूँ। मैंने पहले ही अपने 3 साल बर्बाद कर दिया लेकिन किस्मत से तुम हमेशा मेरे साइड रही हो। थैंक यू। जब शोयन मेरी तुलना अपने आप से करता है मुनर हमेशा शोयन के साथ रहना चाहती है। हाँ कितना अजीब है ये सब। हे यूनर वो मस्का लगा रहे। क्या तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं? अरे सही मस्का लगाया। पैसे? अब पैसा मांग रहा। शोयन को पैसों की जरूरत है इसीलिए इतना मस्का लगा रहा है। जो मैं खरीदना चाहता हूँ लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पापा को कोई पैसा मांग मेरे साइड पर हो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। शोयन को कितने पैसे की जरूरत है? 1,000 कॉइन काफी होंगे। मैं लालची नहीं हो रहा पर थोड़ा और हो सकता है तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये काफी है? गोल्ड कार्ड ये मेरे लिए काफी होंगे लेकिन शोयन तुम्हें मेरे सामने इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास भी एक रिक्वेस्ट है। और वो क्या है? शोयन तुम क्या खरीदना चाहते हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? हमारी फार्मेसी में आकर चीजें लेना सबसे अच्छी जगह है क्योंकि हमारा ओशन हाउस से बहुत करीबी रिश्ता है। आपको यहाँ दुनिया की सारी चीजें मिल जाएगी। वो सब यहाँ तक कि ब्लड क्रिस्टल ऑफ अंडरवर्ल्ड भी सब कुछ मिल जाएगा। ये वाकई में ब्लड क्रिस्टल ऑफ अंडरवर्ल्ड है। नहीं घूमना पड़ेगा। ब्लड क्रिस्टल ऑफ अंडरवर्ल्ड ये क्या चीज है? शोयन तुमने उसके बारे में नहीं सुना? यहाँ तक कि डोजी में भी ये बहुत कीमती सामान है। तो आप क्या खरीदना चाहते? 20 ईयर्स ओल्ड पर्पल ऑर्चिड्स 2-5 ईयर ओल्ड बोन बास्केट। उसे पैक मत करो, हम उसकी क्वालिटी देखना चाहते हैं। हाँ ओके। ये लेडी बहुत ही स्मार्ट है। मैं पहले मटेरियल की क्वालिटी चेक करूं। वो अंगूठी से आवाज भी आ रहा है जो सिर्फ इसी को सुनाई दे रहा है। ये रहे 20 ईयर ओल्ड पर्पल ऑर्चिड। आ गया, सबका क्वालिटी चेक कर रहा है कौन सा है अच्छा। 5 ईयर ओल्ड बोन वॉश फ्लोवर, कोई दिक्कत नहीं लग रही। इनके 190 कॉइन हुए। ये रहा आपका बिल, प्लीज चेक करें। मास्टर शेफ मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये कीमती मटेरियल आप किस लिए ले जा रही हैं? ये एक राज। शोयन चलो चले। काम से काम रखो ना, कहे ले जा रहे दोबारा आइएगा। बहुत जल्दी काम। ऐसा लगता है कि स्टोर असिस्टेंट हमसे कुछ छुपा रहा है। आमतौर पर यहाँ के लोग हमें जानते हैं। उसने सिर्फ ऐसा दिखावा किया कि वो हमें नहीं जानता है। किस्मत से तुमने अपना पर्पल गोल्ड कार्ड उसे दिखा दिया। जो भी हो ये सामान अच्छा होगा। ये मेडिकल इंग्रेडिएंट्स अच्छा ही होगा लेकिन मैं हैरान था कि इनकी कीमत 2000 गोल्ड के बराबर थी। अगर तुम क्रिस्टल की कीमत जानते तो हैरान हो जाते। तो बेहतर होगा कि मैं ना जाऊं। चलो सही है, सेविज निकला ये तो। वाकई हम लोग नहीं थे। ओ क्या है, चुगली कर रहा है जो वहां सामान बेचने वाला था। अच्छी बात नहीं है, किसी भी कस्टमर को बता रहा है ये लोग का बारे में। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। हमें जाना चाहिए। और ये लोग भी यहाँ से जा रहे हैं कुछ ज्यादा ही स्पीड में। क्या ये वही सुनो और थर्ड यंग लॉर्ड ऑफ शो फैमिली है जिन्होंने एग्रीमेंट कैंसिल की थी? तुम्हारा मतलब क्या है इन सब से? वो एक डिवोर्स था। ये ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये व्हाइट बियर्ड फैमिली में से है तो सावधान रहो। अगर हम कोशिश नहीं करते तो पता नहीं चलेगा। उसकी चिंता मत करो, मेडिसिन को बचाना पहला काम है। यूनर चलो वापिस चले। वो भागना चाहते हैं, पकड़ो उन्हें। भाग रहा है। माफ करना ऐसे आगे लग गया। मिस्टर जी आलियो इससे टकराया अब तो गया। तंग नहीं करना चाहता था। गलत बंदे से टकरा गया। जरूरत नहीं है। क्या मैं डरावना हूँ? इतना नरमी से क्यों पेश आ रहा है ये? आगे सटो, आगे सटो, आगे सटो। सर क्या हुआ है? ये लोग भी वापस आया। सर हम नाकाम हुए। ओ, नहीं इसका मतलब उनका पीछा नहीं कर पाए। तुम बेवकूफ, हमें माफ कर देना सर, हमने अच्छा काम नहीं किया। सर शुभलंग फार्मेसी से जो इन्फॉर्मेशन आई है, यूनान ने कहा तकरीबन 2000 गोल्ड का सामान लिया है। क्या सोयान ने कोई एल्बिनेस रखा है? हमारे जासूस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। तो अब हमारे पास और भी कारण है सोयान को ढूंढने के लिए। कितना बुरा लुक है। जब मेरे पापा मार्केट संभाल लेंगे हम यहाँ से सभी बेवकूफ लोगों को निकाल देंगे।
ये क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? लगता है कि मार्केट में कुछ हो रहा है। ये लोग दूसरा दुकान में आया, कुछ और खरीद। शोयन, यूनर मैजिक कोर खरीदो और सीधा घर जाओ। मैं देखता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। फिर कुछ हुआ? क्या हो रहा है? जेलो फैमिली से मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वो लोग वहाँ काम नहीं करने दे रहे। गार्ड्स को रिपोर्ट करो, मैं वहाँ जाके देखता हूँ। ठीक है। वो कूट दिया, वो भी बिना पावर का इस्तेमाल किए। चलो देखते हैं कि आप मुझसे कैसे लड़ते। चलो, दिमाग का इस्तेमाल किया तो पावर की जरूरत नहीं पड़ा। शायद अब पड़ेगा। लेकिन यंग लॉर्ड ऑफ योर फैमिली, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे मास्टर सिर्फ तुम्हारे साथ चाय पीना चाहते हैं। जान ली, आज मेरा चाय पीने का मन नहीं है। वो क्या स्पीड है इसका? बिना पावर के सबको पीटे जा रहा है। लॉर्ड ऑफ सो फैमिली, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट स्किल है सर। शुयन, अब थोड़ा शुयन को मदद मिलेगा। तो तुम भी योमिक सेक्शनियर, इस जैसे बेकार के पीछे मत आओ, चली जाओ। क्यों ना तुम मेरी वाइफ बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से रखूं। जाइलियो, तुम्हें यूनर के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये बहुत मजाक किया। तुम्हारी ताकत के साथ मैं सच में उससे शादी कर लूंगा। कौन तुझ जैसे गधे से शादी करेगा? कितना निराश करने वाला है। निराश। अभी चलते हैं। बेइज्जत होके जा रहा है। एलपी मिस्ट की सपोर्ट करने का बावजूद इधर भी अलग दंगा छिड़ा हुआ है। हाँ, सोयान के पीछे एलपी मिस्ट का ही हाथ है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास कोई और चॉइस है? दाऊदी को सीखकर मजबूत बन जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे पापा भी ये नहीं कर सकते। मैं तुम्हें स्टेप सिर्फ एक बार बताऊंगा। तुम्हें याद रखना होगा कि दाऊदी को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब वो सब पौधा उधा का इस्तेमाल कर रहा है जो मंगवाया था, उसके बाद वो पिल्स बनाएगा। ये चीज दिमाग को ठीक कर सकती है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उसके फायदे देखने। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। क्या तुम सॉलिड फायर निकाल सकते हो? हाँ, सॉलिड फायर को निकालना लेवल 3 डाइक्यू में कुछ नया है, लेकिन ये इस काबिल नहीं। पहले डाइक्यू जमा करो। तुम ये महसूस कर सकते हो सोया, मैं ठीक हूँ। नहीं, इस तरह सब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैंने उम्मीद की थी, तुम फेल हुए, लेकिन ये पहले से काफी अच्छा। तुम थके हुए लग रहे हो, जाओ आराम करो। ओ, अब क्या हुआ? शोयन, शोयन, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? लास्ट में इसको क्या हुआ था? सही, सब कुछ चल रहा था, लेकिन लास्ट में कुछ तो हुआ। मतलब यह हो सकता है वो पिल्स खाने के बाद इसका पेट वेट खराब हो गया हो, या कुछ भी, कि उसका जो भी एनर्जी या पावर है वो संभाल ना पा रहा हो। अब ये तो इसके अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो कर दो लाइक, और इस तरह के और एनिमे के एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और एनिमे एपिसोड में।